भारतीय मसाले प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, परंतु उन पर सामर्थ्य अनुसंधान नहीं हुआ था। इसलिए 1995 में मसालों पर उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। ये संस्थान कालीकट शहर से 11 किलोमीटर दूर चलवूर में स्थित है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 14.3 हेक्टेयर है। संस्थान का प्रायोगिक प्रक्षेत्र कालीकट शहर से 51 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में पेरुवन्नामुझी में स्थित है। अनुसंधान प्रक्षेत्र को राज्य सरकार से पट्टे पर लिया गया है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 94.8 हेक्टेयर है। संस्थान का इलायची अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के कोडागु जिले के अप्पंगला में स्थित है। ये केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में एकमात्र इलायची पर अनुसंधान करने वाला केंद्र है। इस केंद्र की इलायची की उपज बढ़ाने के लिए शोध कार्य तथा फसल प्रणालियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि तकनीकियों को कृषक समुदाय तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पेरुवन्नामुझी अनुसंधान प्रक्षेत्र में हुई। यह केंद्र किसानों, बेरोजगार महिलाओं, युवाओं तथा उन्नतशील कार्मिकों के लिए कृषि संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान में मसालों पर भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय है। इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए इसका फैलाव देश भर में है। इस केंद्र के अंतर्गत 21 राज्यों में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 34 केंद्र स्थापित है। काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, जायफल, ऑल स्पाइस, गार्सिनिया, वेनिला तथा पेपरिका संस्थान की मुख्य अधिदेश फसलें हैं। संस्थान विश्व की सबसे बड़ी मसालों के जनन द्रव्य संरक्षण शाला का अनुरक्षण करता है। इसमें काली मिर्च के 2575, इलायची के 435, अदरक के 685 तथा हल्दी के 1040 एक्सेशन समाहित है। इसके अतिरिक्त संस्थान में वेनिला, पेपरिका तथा अन्य वृक्ष मसालों जैसे दालचीनी, लौंग, जायफल तथा तेजपत्ता का जीन संग्रहालय भी है। संस्थान का अधिक उपज वाली तथा रोग, कीटों तथा सूखे के प्रति सहनशीलता वाली प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। काली मिर्च की 8 प्रजातियों को संस्थान द्वारा विमोचित किया जा चुका है, जिसमें श्रीकरा, शुभकरा, पंचमी तथा पूर्णमी पहले ही कृषकों के खेतों में बोई जा रही है, जबकि IISR थेवम, IISR मलबार एक्सेल, IISR गिरिमुंडा तथा IISR शक्ति नवीनतम प्रजातियां हैं। इलायची प्रजातियां IISR विजेता, IISR अविनाश तथा IISR कोडागु सुवासिनी इलायची अनुसंधान केंद्र अप्पंगला द्वारा विकसित की गई है। संस्थान द्वारा विकसित IISR वर्धा, IISR रजेता तथा IISR महिमा अदरक की प्रजातियां देश के सभी अदरक पैदावार क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त है। संस्थान ने हल्दी की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों को भी विकसित किया है, जिसमें सुगुना, सुदर्शना, प्रभा, प्रतिभा तथा IISR एलपी सुप्रीम में कुरकुमिन की मात्रा अधिक होती है। जायफल की अधिक उपज वाली प्रजाति IISR विश्वश्री, जो कि दक्षिण भारत क्षेत्रों के लिए बेहतर है। संस्थान की दालचीनी की प्रजातियां नवश्री तथा नित्यश्री अपनी छाल तेल तथा ओलिओर्सिन के लिए जानी जाती हैं। मसालों की निरंतर उपज के लिए संस्थान ने विभिन्न तकनीकियों को विकसित किया है। खेत परीक्षणों से ये प्रमाणित हो चुका है कि केचुआ खाद्य तथा अजोस्पाइरिलियम का उपयोग करके काली मिर्च की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इलायची के बगीचों में क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के गड्ढे खोदकर जल तथा मृदा को प्रभावी ढंग से संरक्षण कर सकते हैं। खेत में हर दूसरी लाइन में गड्ढा खोदने पर मृदा को कम हानि होती है। इलायची में बौछार तथा छिड़काव विधियों से सिंचाई करने पर तल शाखाओं
पत्तियों तथा गुच्छों की संख्या अधिक अंकित की गई। गोबर खाद, केंचुआ खाद तथा रॉक फॉस्फेट को पोषक तत्व तथा सुडोमोनास एवं ट्राइकोडर्मा को जैविक नियंत्रण कारकों के रूप में प्रयोग करके संस्थान ने अदरक तथा हल्दी की जैविक खेती की विधियों को विकसित किया। काली मिर्च, इलायची, अदरक तथा हल्दी की उत्पादकता तथा ऋतुओं का संबंध जानने के लिए अध्ययन किया तथा भूगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा अध्ययन करने पर ये ज्ञात हुआ कि वातावरण अनुकूलता मसालों की नियमित उत्पादकता का एक मुख्य कारण है। मसालों में श्रमिक बचत फसलोत्तर कार्य में महत्वपूर्ण है। संस्थान ने काली मिर्च के लिए प्रभावशाली थ्रेशर, ड्रायर तथा ग्रेडर का मूल्यांकन किया तथा हल्दी को 1 घंटे में 100 किलोग्राम क्षमता वाले पॉलिशर से सूखी आकर्षक हल्दी तैयार कर सकते हैं। सफेद मिर्च का सदैव मार्केट में एक विशिष्ट स्थान है। संस्थान द्वारा पन्नियूर 1 को सफेद मिर्च के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चिन्हित किया है। एक उच्च कोटि की तकनीक के अंतर्गत विशेष जीवाणुओं का उपयोग करके हरी बेरी को सफेद मिर्च में बदल सकते हैं। ये तकनीक पेटेंट के लिए भेजी जा चुकी है। भविष्य में उपयोग के लिए संस्थान ने कृषकों के लिए अदरक भंडारण के लिए जीरो एनर्जी चैम्बर तकनीक को विकसित किया। उन्नत प्रजातियों की रोपण सामग्रियों का उत्पादन करके उनका वितरण संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। रूटेड कटिंग तथा लंबवत काली मिर्च, हल्दी तथा अदरक का बीज प्रकंद, जायफल की कलम का उत्पादन पेरुवन्नामुड़ी में होता है। इलायची के पौधों एवं काली मिर्च की रूटेड कटिंग का उत्पादन अप्पंगला में स्थित पौधशाला में होता है। संस्थान ने एकल पॉली बैग, सस्ता तथा सुरक्षित सौरीकृत पॉटिंग मिश्रण तथा प्रभावी विधियों को काली मिर्च कटिंगों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया। पौधशाला में काली मिर्च के पौधों की सशक्त वृद्धि के लिए महीने के अंतराल पर सौरीकृत पॉटिंग मिश्रण में यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश तथा मैग्नीशियम सल्फेट युक्त पोषण घोल का उपयोग करते हैं। बालू के अधिक मूल्य एवं अभाव के कारण पत्थरों के खदानों से लिया गया ग्रेनाइट पाउडर बालू के स्थान पर पॉटिंग मिश्रण में उपयोग कर सकते हैं। मसालों की खेती में कीट एवं रोग एक प्रमुख समस्या है, अतः संस्थान ने इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देना आरंभ किया है। रोगों की पहचान के लिए विभिन्न विधियों को विकसित किया तथा प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय सूत्रबद्ध किए। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास तथा पोकोनिया की जैविक नियंत्रण कारक के रूप में पहचान की गई तथा इसको कृषक समुदायों के बीच में प्रचालित किया। ICAR ने IISR को मुख्य केंद्र बनाकर 17 अन्य केंद्रों के लिए फाइटोफ्थोरा, फ्यूसेरियम तथा रालिस्टोनिया पर अनुसंधान करने के लिए एक परियोजना आरंभ की। संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विषाणु परीक्षण की सुविधा भी कार्यशील है। कृषि सूचना एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य उच्च गुणवत्ता वाली बीज एवं रोपण सामग्रियों का उत्पादन एवं वितरण, मुद्रित साहित्य का निर्माण एवं वितरण, फसल रोग निवारण उपायों सहित अन्य परामर्श सेवाएं, मल्टीमीडिया, वीडियो तथा अंतर संबंधित डेटाबेस के माध्यम से सूचना प्रसार, किसानों तथा अन्य के लिए प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों को आयोजित करना। ये केंद्र किसानों तथा अन्य आगंतुकों के लिए उनकी उंगली स्पर्श से संवादात्मक मल्टीमीडिया स्पर्श स्क्रीन बूथ द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराता है। केरल राज्य योजना भंडार द्वारा प्रायोजित एवं इसरो द्वारा सहायता प्राप्त उपग्रह तकनीक आधारित ग्राम सहबंधन केंद्र योजना अगस्त 2007 में आरंभ हुई। इस योजना के अंतर्गत कृषक एवं विशेषज्ञों के बीच पारस्परिक संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा होता है। संस्थान NAIP की उप परियोजना मोबिलाइजिंग मास मीडिया सपोर्ट फॉर शेयरिंग एग्रो इन्फॉर्मेशन का संघीय भागीदार है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में कृषि संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। सूचना तकनीकी क्षेत्रों की उपलब्धियों को संस्थान ने अनुसंधान एवं प्रशासनिक गतिविधियों में सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त जैव सूचना केंद्र वैज्ञानिकों को इन सिलिको परीक्षण में मदद करता है। संस्थान ने स्वचालित कार्यालय सॉफ्टवेयर को विकसित किया। ये कागज रहित कार्यालय की तरफ एक महत्वपूर्ण प्रगति है। परिषद के संस्थानों में IISR ऑफिस ऑटोमेशन कार्यान्वयन करने वाला प्रथम संस्थान है। संस्थान का पुस्तकालय, राष्ट्रीय मसाला सूचना केंद्र, अनुसंधान गतिविधियों का मुख्य सूचना संग्रहालय है। इसके साथ साथ यहाँ अनेक पुस्तकें, तकनीकी रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट, वैज्ञानिक जर्नल, ई जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस तथा 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ये अन्य संगठनों के अध्ययनशील समुदाय के लिए आवश्यकता अनुसार सूचना सहायता प्रदान करता है। संस्थान कालीकट, कन्नूर और आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालयों से PhD अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त है। संक्षेप में, भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान मसालों पर अनुसंधान के लिए एक विशेष स्थान रखता है। हम कम लागत से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।